दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद असलम, एमकेएस मोटर ट्रेनिंग स्कूल मास्टर कार ट्रेनर। तो आज हमारे साथ में जो स्टूडेंट है, जो आज उनका दूसरा दिन है, तो आज उनसे हम आज हम कुछ कल जो हमने अपना थ्योरी बताया था, जो थ्योरी गाड़ी की जो बेसिक चीज़ होती है बताया था उसके बारे में, तो आज उनके साथ हम जो गाड़ी को जो मेन रोड पर लेके चलेंगे। तो आज उनका स्टीयरिंग का बैलेंस कैसा है वो सब हम चेक कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं और अपने स्टूडेंट का नाम जान लेते हैं और कल जब उन्होंने गाड़ी चलाई थी कल जब उन्होंने क्या क्या सीखा और क्या 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 उनको समझ में आया पूछ लेते हैं। आपका पूरा नाम क्या है? निशांत मिश्रा। निशांत मिश्रा। मिश्रा, तो मिश्रा जी, कल आपको जब थ्योरी बताया गया था गाड़ी के बारे को, गाड़ी के बारे में लेकर, तो थ्योरी में आपको क्या क्या समझ में आया? एक साथ मैंने बहुत सारी बातें आपको बता दिया था। गाड़ी से बैठने से पहले तीन चीज़ याद रखने का, सीट बेल्ट लगाने का, सीट सही करने का, और प्लस ये मीनार चेक करने का, तीनों जी हाँ, और ये एस्केलेटर, ये ब्रेक। हाँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें बताया था। तो अभी आज जो हम स्टार्ट करेंगे गाड़ी आपकी, तो आज हम गाड़ी को जो है फर्स्ट गियर में चलाएंगे और आपका स्टीयरिंग का बैलेंस कैसा, आप गाड़ी कैसा टर्न मारते हो, कैसा लेफ्ट राइट लेते हो, उस चीज़ को हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। आप स्टार्ट कीजिए सेल्फ मार के, चाबी घुमाइए। हाँ, वही चाबी कौन? हाँ, आप सेल्फ मारिए और एक बार चाबी घुमाइए। हाँ, पकड़ के रखिए। हाँ, बस गाड़ी चालू हो गई अभी। ठीक है, तो देखिए अभी सामने एक गाड़ी खड़ी है हमारे मर्सिडीज, तो अभी हम सीधे जा नहीं सकते, तो उसके लिए हमको गाड़ी रिवर्स में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो रिवर्स गियर डाल के जो गाड़ी पीछे लेके फिर हम आगे जाएंगे। ठीक है, आप स्टीयरिंग को लेफ्ट में लीजिए, लेफ्ट में घुमाइए, लेफ्ट की तरफ घुमाइए, इधर हाँ पूरा घुमा लेफ्ट में। हाँ, रेस मत हो अभी एक्सेलर। हाँ, पूरा घुमाओ। हाँ, पीछे आने का गाड़ी को, एकदम बढ़िया। बस देखो, पूरी जगह है, गाड़ी जा बाहर जा सकती है भाई, है ना? जी सर। ठीक है, तो अब स्टीयरिंग राइट पे घुमाइए, राइट पे घुमाइए, फटाफट घुमाइए राइट में और घुमाइए। चलिए राइट में देखिए, राइट का इंडिकेटर ऑन करो, राइट का इंडिकेटर ऑन करो, राइट की तरफ देखते हुए चलना आपको। ठीक है, चलिए अब फटाफट लेफ्ट में ले लो स्टीयरिंग को, गाड़ी को सीधा कर दो अभी, आराम से गाड़ी को सीधा करो, बढ़िया है। इंडिकेटर सही कर दो, वो सिग्नल सही कर दो, बीच में कर दो। हाँ, ठीक है, जो गाड़ी डिवाइडर रोड के ऊपर चल रही है, तो राइट साइड में डिवाइडर है और लेफ्ट साइड में गाड़ियाँ पार्किंग भी खड़ी है और पब्लिक भी चल रही है। ठीक है, तो आपको दोनों को मेंटेन करना है, ये दोनों की तरफ ध्यान रखना है, और डिवाइडर देखो, डिवाइडर की तरफ गाड़ी जाएगी आपकी। एक आप क्या कर रहे हो पता है, एक हाथ को यहाँ रखिए, हाँ एक हाथ से गाड़ी को मेंटेन कीजिए, अभी हल्का सा लेफ्ट लो, हाँ अब सीधा कर दो। तो डिवाइडर से जो है हमारी गाड़ी ज़्यादा लग के नहीं लगनी चाहिए, डिवाइडर से कम से कम 1 फीट जो है रोड के अंदर होनी चाहिए गाड़ी, आप समझ रहे हो? तो देखो, गाड़ी को आपको चलाना है और आपको ध्यान आपका चारों तरफ होना चाहिए। आप लेफ्ट में लीजिए हल्का सा स्टीयरिंग, देखो आपकी गाड़ी लग जाएगा डिवाइडर पे, आपको दिख नहीं रहा रोड के ऊपर, रोड की आप देखिए ना गाड़ी कहाँ जा रही है आपकी। हाँ निशांत मिश्रा जी, आपकी गाड़ी कहाँ जा रही है आप देख नहीं रहे हो? हाँ देखिए, आप गाड़ी कहाँ जा रही है, देखो अभी लेडीज बीच में चल रही है, हॉर्न बजाइए उसको ताकि मालूम पड़े से गाड़ी आ गई बोलती है ना। चलिए अभी एक हाथ को यहाँ रखिए है गियर के ऊपर, अगर कुछ समझ में चीज़ समझ में नहीं आती है ना मिश्रा जी, तो अब हमसे पूछिए। ठीक है, जो बात आपको समझ में नहीं आती है बेझिझक आप हमसे पूछ सकते हो। अब घुमाइए इस तरीके, राइट में घुमाइए आराम से, धीरे धीरे, वेरी गुड, एकदम बढ़िया। ठीक है, नज़र आपकी चारों तरफ होनी चाहिए मिश्रा जी। हाँ, अब हल्का सा एक्सीलेटर दबाइए, क्योंकि सुबह का टाइम है, सबको स्कूल जाना है, काम पे जाना है, तो पीछे क्या ट्रैफिक जाम हो रही है ना, देखो पीछे बस वाला भी जो है हॉर्न बजा के हमको परेशान कर रहा है। चलो रेस दो, हल्का सा एक्सीलेटर दो, दबा के रखो एक्सीलेटर, ये हाथ को यहाँ रखिए। हाँ ठीक है, चलिए धीरे धीरे, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। जब भी ऐसा दो रास्ते पे, एक तो पहली बात तो रास्ता बहुत छोटा है, उसके अंदर गाड़ी भी पार्किंग है, ऊपर से जब लोग जो है फुटपाथ पे चलते नहीं, रोड के ऊपर चल रहे हैं। ठीक है, रोड के ऊपर जब वो चलते हैं ना, तो आपको हॉर्न बजाना बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि वो गाड़ी को अपने रोड पे जो गाड़ियाँ खड़ी है उसको क्रॉस करके अचानक बीच में आ जाएंगे तो क्या करेंगे आप, क्या करोगे आप? हाँ हॉर्न आपको बजाना है, जैसा पीछे वो जो बस वाला जो है बेसबरा हो गया है जबकि उसके आगे बस स्टॉप पे आगे उसको रुकना ही है, तो भी वो हॉर्न बजा के जो है, हाँ समझ गए आप? तो ये जितने भी चीज़ों को ध्यान में रख के चलना है आपको मिश्रा जी, ठीक है? वेरी गुड, आराम से कंट्रोल कीजिए, एकदम बढ़िया, आराम से दी। हाँ चलिए, अब राइट का इंडिकेटर तो आगे से हम यू टर्न मारेंगे हम, ठीक है? हाँ आगे से यू टर्न मारेंगे। अब यू टर्न कैसा मारते हैं मैं आपको बता देता हूँ, स्टीयरिंग को कैसे इस्तेमाल करना है यू टर्न मारने के टाइम पे, ठीक है? तो ये चीज़ का आपके बारे में मैं आपको नॉलेज देता हूँ। अभी देखो ये, हाँ ये जो दिख रहा है ना, जैसे ही हमारा डोर के पास क्रॉस हो जाता है तो स्टीयरिंग आपको राइट ऊपर घुमाना है, ठीक है? पूरा घुमाइए स्टीयरिंग राइट में, पूरा घुमाइए, पूरा एंड तक घुमाइए सही, हाँ पूरा घुमाइए एंड तक, मैंने कहा पूरा एंड तक घुमाना है। अब ये हो गया, घूम गया, फटाफट सीधा करो, फटाफट सीधा करो, आराम से हॉर्न बजाओ, बस 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 बस, चलो आराम से, अब रेस कम कर दो धीरे धीरे, चलिए इंडिकेटर सही कर दो, हाँ चलिए। तब हुआ क्या मालूम, अभी आपने जो गाड़ी जिस स्पीड पे फर्स्ट गियर में आप लेकर आए ना, ठीक है, तो इसमें आपको क्या समझ में आया मिश्रा जी? हाँ नहीं जाना चलना, मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूँ, आपने जो गाड़ी अभी लेकर आए स्पीड में ना, ठीक है, तो उस वक्त में आपको क्या समझ में आया, क्या आपसे आपको कैसा लगा आपकी गाड़ी स्पीड में आप लेकर आए, तेज़ी से गाड़ी आप चलाकर लेकर आए हो ना जी, तो आपको क्या क्या फील हुआ, क्या महसूस हुआ आपको, कैसा लगा आपको गाड़ी चलाकर? अच्छा मुझे तो डर लगा, तुम इतना स्पीड में भगा रहे थे कहीं ठोक देंगे, मुझे तो डर लगा, आपको अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है मिश्रा जी? डर के आगे तो जीत है सर। क्या बात है, अरे सही बात है, डर के आगे जीत है और दादर के आगे सीट है, सही है ना? ये बात बढ़िया बात बोली आपने मिश्रा जी। डर गया तो काम क्या करेगा फिर? नहीं भाई, कुछ कुछ जगह ऐसा है जहाँ पे जो है आपने जो बात कहा, डरना चाहिए लोगों को लेके राइट बोलो, क्योंकि लोग जो अचानक बीच में आ जाएंगे कहीं उनको कुछ हो जाएगा तो वो डर को लेके अपनी गाड़ी को ड्राइविंग में चलाना है, तो ड्राइविंग जो है कोई मजाक का खेल नहीं है मिश्रा जी, ड्राइविंग में जो आपकी भी जान हथेली पे होती है और सामने वाले की भी जान हथेली पे होती है। हाँ तो एक्सीलेटर ऐसा चीज़ है ना, एक्सीलेटर और गुस्सा, इंसान का गुस्सा और एक्सीलेटर दोनों बराबर है, अगर ज़्यादा गुस्सा करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, ज़्यादा एक्सीलेटर दबाओगे तो भी नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए दोनों को कंट्रोल करना है, किसको, गुस्से को और एक्सीलेटर को, रेस को, किस किस को कंट्रोल करने का है? गुस्से को और एक्सीलेटर को। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है मिश्रा जी, आप जो गाड़ी देखो अभी आपकी गाड़ी राइट में जा रही है, एकदम लेफ्ट में आ गई, संभालो, दोनों तरफ आपको ध्यान देना है, मैं इसीलिए आपसे, क्योंकि आपने दोनों हाथ से स्टीयरिंग पकड़ा तो एक हाथ यहाँ खींच रहा है, एक हाथ यहाँ खींच रहा है, इसलिए मैंने कहा कि एक ही हाथ से आप स्टीयरिंग को फॉलो कीजिए, ठीक है? अगर ऐसा आप राइट लेफ्ट करेंगे तो पीछे वाला भी हंसेगा कि गाड़ी चला रहा है कि नागिन डांस कर रहा है, समझ रहे मिश्रा जी? तो रोड के हिसाब से आपको स्टीयरिंग घुमाना है, नज़र आपको रोड पर रखनी है, समझ गए मिश्रा जी? नज़र आपको जो है रोड पर रखनी है आपको, आराम से, देखो बिल्कुल आपकी गाड़ी अभी जा रही है लेफ्ट में, आप बराबर सीधी हो गई है, ठीक है, हल्का सा लेफ्ट में लीजिए, आराम से, समझ गया आप मिश्रा जी? आज जो आपको स्टीयरिंग का जो आप कल जो आपने पहला दिन जो आपको मैंने थ्योरी दिया था, आपको जो गाड़ी के बारे में जो मालूम बताया था, वो चीज़ मैंने आपको एक ही बार बताया था, लेकिन अभी आपको चलते चलते हर चीज़ इस्तेमाल हो जाएगी, जैसा मैंने कहा था राइट का इंडिकेटर कैसे देने का, तो आज आपने इस्तेमाल किया राइट का इंडिकेटर जी सर, मैंने कहा था लेफ्ट का इंडिकेटर कैसे देने का, आपने इस्तेमाल किया लेफ्ट का इंडिकेटर,
तो जितना मैं थ्योरी फर्स्ट दिन पहले दिन आपको दिया था, अब वो सारी चीज़ें अब इस्तेमाल में आएगी आपको, ठीक है। और गाड़ी को जो चलाना जो है ना, गाड़ी को जो है एकदम ध्यान से, एहतियात से, हाँ, और गाड़ी को चला नॉर्मल हाथों से इस्तेमाल करना, हाँ, मतलब गाड़ी का जो अपने गाड़ी का जो स्टीयरिंग है ना, एकदम हल्के हाथों से पकड़ के रखने का, उसको एकदम टाइट नहीं पकड़ना है, क्योंकि स्टीयरिंग कहीं भाग के चला, स्टीयरिंग कहीं भाग के चला नहीं जाएगा। क्या बात है यार, आप तो बहुत अच्छे से डायलॉग मारते हो यार मिश्रा जी, कहीं फिल्म में ट्राई तो नहीं कर रहे हो ना मुंबई में आके? हाँ, कहीं मतलब कहीं फिल्म में ट्राई तो नहीं कर रहे मुंबई में आके? नहीं नहीं, नहीं भरोसा नहीं भाई, आजकल तो मुंबई में जो है फिल्म के लिए बहुत ट्राई किया जाता है, मुझे लगा आप जैसे डायलॉग मार रहे हो शायद आप भी कुछ फिल्म लाइन में ट्राई कर रहे हो। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ड्राइविंग का जो आप गाड़ी चलाओगे ना, जितना आप आराम से गाड़ी चलाओगे, जितना आप चौकन्ना होकर गाड़ी चलाओगे ना मिश्रा जी, जो अभी आपने एक्सीडेंट दबा दिया, क्या क्यों दबा दिया आपने एक्सीडेंट? हाँ, एक तो रास्ता बहुत ख़राब है, खड़बुड़ा रास्ता है ये, ठीक है, यहाँ पे तो स्पीड में चलना ही नहीं है। अगर गाड़ी स्पीड में चलाएंगे, खड्डे के अंदर टायर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सस्पेंशन खराब होएगा, ये एक्सल पे प्रॉब्लम आएगी, ये गाड़ी का कहाँ कांच कांच का जो है गाड़ी का जो कैंची का बूश उड़ जाएगा। तो खड्डे में जितना हो सके गाड़ी को स्लो चलाना है, एक्सेलेटर बिल्कुल देना नहीं है, आप समझ रहे हो? जब भी खड्डे का ऐसा खड्डे वगैरह खड़बुड़ा रास्ता आ जाएगा ना, तो बड़े प्यार से गाड़ी को चलाना है, गाड़ी की सेफ्टी हमारी सेफ्टी, ठीक है। जितना आप गाड़ी को मेंटेन करोगे, गाड़ी आपकी उतनी खर्चा कम निकालेगी, जितना आप गाड़ी का बर्फ चलाओगे उतना आपका खर्चा निकलेगा। तो देखिए मिश्रा जी, अभी जो रोड चल रहा है ना, ये नैरो रोड है, राइट लेफ्ट देख रहे हैं अपना रोड कैसा घूम रहा है, तो उसी तरह आपको रोड पे से आपको गाड़ी चलाना है, ठीक है। आप क्योंकि ये सिंगल रोड है, एक आने वाली गाड़ी का है और एक जाने वाली गाड़ी का है, तो हम जब चल रहे हो ना, तो आने वाली गाड़ी से अभी तो ब्लाइंड टर्न है, आगे दो ट्रक खड़े हुए, अभी लेफ्ट में टर्न मुड़ रहा है, तो अभी आप क्या करोगे? हॉर्न देना है। हाँ, और लंबा हॉर्न देना है, हाँ लंबा हॉर्न देना है आपको, वेरी गुड वेरी गुड। बस ज़्यादा हॉर्न बजाना भी क्या गाली जैसा होता है, तो हर चीज़ की एक लिमिट एक हद होती है। आराम से लेफ्ट में लीजिए, एकदम बढ़िया। हाँ हाँ, ये आपके स्टीयरिंग का किस हाथ खेल की रहे हो आप, आराम से प्यार से घुमाओ स्टीयरिंग को ना, हाथ को आगे ऐसा पीछे करोगे तो समझ में नहीं आएगा आपका टायर राइट में घूम रहा है कि लेफ्ट में घूम रहा है, समझ रहे आप? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मिश्रा जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने जो है आज भी टर्न लिया है ना, बहुत सही किया ये, बहुत बढ़िया, ठीक है मिश्रा जी। गाड़ी आप लग दो, अभी आपकी गाड़ी फिर राइट में जा रही है। अरे मैं आपकी थोड़ी तारीफ़ कर देता हूँ तो आप गलत काम कर देते हो, तो आपकी तारीफ़ नहीं करना चाहिए, इसका मतलब आराम से गाड़ी को लेफ्ट में रखिए। देखो ज़्यादा लेफ्ट में हो गया, अभी इसको टच होने वाले चांसेस, टच होने के चांसेस है, आराम से मिश्रा जी, आराम से धीरे धीरे लेफ्ट में लीजिए मिश्रा जी, गाड़ी लेफ्ट में को हम देखो लेफ्ट में आप लेफ्ट का मिरर देखो आप, मैंने क्या कहा था मिरर जो है ये तीनों जो आईना है ना, ये तीनों आईना आपकी तीसरी आँख है, तो इसको देखते रहना है आपको, राइट मिरर, लेफ्ट मिरर और बैक मिरर, ठीक है। तो गाड़ी को अभी हम यहाँ स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे मैं दर्शकों से, मेरे जो ऑडियंस है यूट्यूब के, उनसे कुछ कहना चाहेंगे आप? आपसे मिलकर सर बहुत सारे जानकारी प्राप्त हुए, बहुत कुछ अभी सीखना बाकी। नहीं नहीं, तारीफ मत कीजिए, बस मैं ये चाहता हूँ कि आप गाड़ी वो अच्छे से सीखिए, और मेरी कोशिश है कि मैं आपको गाड़ी अच्छे से अच्छा सिखाऊँ, और मैं आपने जो जैसा आपने जो हिम्मत किया है ना गाड़ी चलाने के लिए, और आप सिक्योरिटी का गार्ड करते हैं, तो आपने तरक्की करने के बारे में सोचा, तो मेरी खुद की ख्वाहिश है, मैं खुद चाहता हूँ कि आपको अच्छे से गाड़ी सिखा के आपको जॉब पर लगा दूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच आपका वक्त देने के लिए। तो ऑडियंस थैंक यू सो मच, आप सबका जो है तो थैंक यू सो मच आप लोग का साथ देने के लिए, और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जो है मिश्रा जी को अच्छे से अच्छा गाड़ी सिखाऊं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो जो है अपना रेड बटन दबा के सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू।